नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस की नाक के नीचे ग्राम नूरपुर में अवैध खनन का कारोबार जमकर चल रहा है। खनन माफिया द्वारा इंजन के पंखे व ट्रैक्टरों की मदद से पानी निकालकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। खनन माफियाओं द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग एवं खनन अधिकारी द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफिया का सीना छलनी कर रहे हैं, प्रशासन तमाशा देख रहा है। आने वाले समय में स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकारी मशीनरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम नूरपुर की सीमा में पंखों की मदद से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। यह क्षेत्र चौकी कुंडेश्वरी थाना ITI के अंतर्गत आता है, जबकि कोसी क्षेत्र में सरकार द्वारा खंड के पट्टे एवं खनन पर प्रतिबंधित किया गया है। उसके बावजूद भी खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, ये प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा करता है। हाँ, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर में कराहा लगा के अवैध खनन कर रहे हैं, तो उसको संज्ञान में आया, जिसे उसको तत्काल दिखवाया जाएगा। और यदि अवैध खनन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे डंपर, वो उसमें सीज करने की और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य भी कार्रवाई जो उचित होगी की जाएगी। हाँ, अगर खेत स्वामी जो है बिना अनुमति के करवा रहे हैं, चूँकि उधर मेरी जानकारी में है कि कोई भी अनुमति अभी है नहीं और अभी भी पट्टा चालू नहीं हुआ है, तो यदि खेत स्वामी कर रहे हैं बिना अनुमति के कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध की जाएगी। अभी हमने गदरपुर में गदरपुर तहसील में 14 लाख का चालान एक JCB सीज किया है और 10 लाख का चालान भी भेजा है। और कल जो है हमने सुल्तानपुर पट्टी एरिया से 2 डंपर सीज किए थे, तो उसमें भी पेनाल्टी जमा करवाएगा लगभग 1.5 लाख के आसपास। तो इसमें भी अगर पाया जाएगा तो नो डाउट सख्त कार्रवाई की जाएगी।